दोस्तों आपको लग्जमबर्ग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। और जो भी हम लोग आपको अपनी वीडियोस में बताते हैं वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बताते हैं, आप लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए बताते हैं, ऐसा आप लोगों को लगता है। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि लग्जमबर्ग में जॉब नहीं है तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं प्रूफ करके दिखाने वाला हूं दोस्तों आपको, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-4 वेबसाइट्स पे ले जाकर के दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि वहां पर जॉब्स अवेलेबल है या नहीं और आप कैसे उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, मानता हूं कि भैया यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में जॉब ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और वैसे भी जब किसी कंट्री के बारे में जानकारी हम लोग देते हैं तो वो कंट्री थोड़ी सी इन डिमांड हो जाती है। जैसे हम लग्जमबर्ग के बारे में वीडियो बना रहे हैं, कोई और लग्जमबर्ग के बारे में वीडियो बना रहा है तो जनता के माइंड में लगता है कि सिर्फ अभी लग्जमबर्ग ही जाना, ठीक है, माल्टा, क्रोएशिया, लिथुएनिया जैसी कंट्रीज को भूल जाते हैं। जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया इंडिया से बाहर निकलना है तो जहाँ पर जॉब मिल रही है वहाँ अप्लाई करिए। ठीक है, मैं मेरे साथ जो लोग बात करते हैं कॉल पे उनको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि सर लग्जमबर्ग में जॉब मिल रही है, लग्जमबर्ग में आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ लग्जमबर्ग पे फोकस मत करिए। आप जब जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको जहाँ की भी जॉब सर्च मतलब जहाँ की भी जॉब आपको मिल रही है आपके स्किल्स के अकॉर्डिंगली, आपके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कीजिए। एक बार जब आपको मौका मिलता है किसी कंट्री में जाने का तो आप उस कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। लेकिन नहीं, सबको लग्जमबर्ग जाना है। और आकर के मेरे को कमेंट में भी ये भी लिखते हैं कि कल लग्जमबर्ग में जॉब नहीं है, ये लोग बेकार बनाते हैं, फुद्दू बनाते हैं, हैं आप लोग वीडियो बनाना बंद कर दो, क्यों लोगों को लूट रहे हो, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, बहुत सारे कमेंट्स आप जाकर के हमारे चैनल पर चेकअप कर सकते हो। मैं क्या प्रूफ दिखाऊं बार बार, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूं दोस्तों कि भैया लग्जमबर्ग में जॉब है, सही तरीके से अगर ढूंढ करके अप्लाई करेंगे तो मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। ठीक है, स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। जहां पर बोला जा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत है वहां पर आपको वो सारी चीजें देनी पड़ेंगी। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो सीखना चालू कर दीजिए, बेसिक अंग्रेजी सीखिए। ठीक है, बहुत सारी आपको जॉब्स ऐसी भी दिखेंगे जिसमें अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं है, जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज की जरूरत है, तो उन जॉब्स के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आप अगर जॉब बोलोगे कि नहीं है तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, आपको ले चलता हूँ वेबसाइट्स पर और आपको अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करना कि जॉब अवेलेबल है या नहीं। दोस्तों, मैं आप सभी को प्रूव करने वाला हूं आज की इस वीडियो में कि लग्जमबर्ग में एक्चुअली में जॉब्स अवेलेबल है। सबसे पहले जो है ये 6 दिन पहले की एक आर्टिकल है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये आर्टिकल दिखाता हूं। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है लग्जमबर्ग फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इन 24 जॉब सेगमेंट्स, यानी कि 24 जॉब सेगमेंट्स ऐसी हैं जहां पर लग्जमबर्ग में जो है लोगों को ढूंढा जा रहा है, यहां पर स्किल्ड वर्कर्स की जो है कमी है। दोस्तों नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो है सारी की सारी जानकारी मिलेगी। लग्जमबर्ग इज फेसिंग अ सिग्निफिकेंट शॉर्टेज ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स इन 24 स्पेसिफिक जॉब सेगमेंट्स सच एज बैंकिंग, ऑडिटिंग, इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल जॉब एजेंसी ADEM। यहां पर देखो ये ADEM जो लिखा हुआ है ना, इसकी वेबसाइट पे भी अभी आपको लेकर के जाऊंगा, ठीक है, बस वेट करिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं और भी चीजें लिखी गई हैं कि भैया किस मतलब रोल में लोगों की ज्यादा जरूरत है। यहां से आपको जो है देखा जाएगा कि 2023 के डेटा के हिसाब से जो है सबसे ज्यादा जॉब्स जो है फ्रंट ऑफिस वर्कर्स की अवेलेबल थी, और क्रेडिट एंड रिस्क एनालिस्ट की जॉब अवेलेबल थी, कस्टमर मैनेजमेंट और बैंकिंग में जो लोगों की जरूरत थी, रूफर्स की जरूरत थी, इंजीनियर्स, केयर वर्कर्स, नर्सर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, एजुकेटर्स, ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स, ऐसी जॉब्स अवेलेबल थी। ठीक है, अगर आप ADEM की वेबसाइट पर जाओगे ना तो आपके लिए बहुत सारी असिस्टेंस दी जाएगी दोस्तों। अगर यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे, सबसे ऊपर आप राइट साइड में देखिए लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ द ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग। ठीक है, लग्जमबर्ग की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी जानकारी मिलेगी। वो कैसे मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए जॉब सीकर्स वाला एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको जाना है। यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है करंटली लुकिंग फॉर अ जॉब, ADEM गाइड्स एंड एडवाइजेस यू इन योर रिसर्च बाय ऑफरिंग यू सर्विसेज एंड कोचिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आपके अकॉर्डिंग जो है आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज देगी, आपको ऑप्शंस देगी, आपको कोचिंग देगी। तो यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों, आप अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स ले सकते हैं और जॉब ऑफर्स ढूंढने में जो है आपकी मदद की जाएगी, करियर प्लानिंग में जो है आपकी मदद की जा सकती है, और उसके बाद जो है ट्रेनिंग वगैरह में आपकी मदद की जा सकती है दोस्तों। मतलब आप जो है जिस भी तरीके से जॉब ढूंढ सकते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे तरीके आपको बताए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाइंग फॉर अ जॉब, वर्किंग विद डिसेबिलिटीज, बेनिफिशियरी ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन, सारी की सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर आकर के जो है अपने लिए अलग अलग टाइप की सर्विसेज ले सकते हैं और जानकारी वगैरह निकाल सकते हैं। उसके बाद सबसे बढ़िया वेबसाइट जो है लग्जमबर्ग में जॉब्स ढूंढने की, वो है workinlux.lu। ठीक है, यहाँ पर ये जो वेबसाइट है अभी मतलब मेंटेन की जा रही है। इस वेबसाइट पे जो है सिर्फ और सिर्फ इन डिमांड जॉब्स को जो है पोस्ट किया जाएगा, ताकि सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स जो है उन इन डिमांड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें और यहाँ पर जो है अपने लिए जॉब ढूंढ सकें लग्जमबर्ग में। ठीक है, तो अभी जो है आपको यहाँ पर जॉब्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है वेबसाइट, और ये वेबसाइट भी जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है यूरेस लग्जमबर्ग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों।
आप नीचे देखेंगे तो ADEM, यूरेस लग्जमबर्ग और मतलब यूरोपियन यूनियन का जो है सबका लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। उसके बाद चौथी वेबसाइट जो है एक प्राइवेट वेबसाइट है। यहाँ पर जो है अलग अलग आपको जो है एम्प्लॉयर्स जॉब पोस्ट करते हैं, यहाँ पर आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर लिखा फाउंड द जॉब दैट रियली सूट्स यू, यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं और यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग जॉब्स भी होंगी और फ्रेंच स्पीकिंग जॉब्स भी होंगी। आपको हर टाइप की जॉब्स मिलेंगी दोस्तों, लेकिन आपको उस तरीके से जॉब ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कीवर्ड्स आपको डालना है, कीवर्ड्स डालने के लिए यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग डाल सकते हो या फिर जिस टाइप की आप जॉब ढूंढना चाहते हो वो डाल सकते हो। जैसे शेफ़ की जॉब आपको चाहिए तो शेफ़ टाइप करिए, शेफ सर्च कर लीजिए शेफ, यहाँ पर जैसे सजेशन आ जाएंगे नीचे। सजेशंस में जो है आपको शेफ़ सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। शेफ़ सेलेक्ट करने के बाद जो है आपके सामने शेफ़ की जो भी जॉब्स अवेलेबल होगी इस वेबसाइट पे वो सारी की सारी आ जाएगी। यहाँ पर मैं अब रिसर्च कर लेता हूँ, टू रिसर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेज जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर लोकेशन आपसे पूछा जाएगा, लोकेशन आप ऑफ कर दीजिए। रिसेप्शन मैनेजर, हेड ऑफ पार्टी, शेफ़ दे पार्टी, सुशी सू शेफ, ऐसी बहुत सारी जॉब्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और आप इन जॉब्स के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके, ठीक है। कुछ जॉब्स के लिए आप डायरेक्टली क्विक अप्लाई कर सकते हैं और कुछ जॉब्स के लिए जो है आपको अप्लाई करने में जो है दिक्कत आएगी दोस्तों, थोड़ी सी आपको जो है परेशानी झेलनी पड़ेगी क्योंकि आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर भी आपको जॉब्स देखने के लिए मिलेंगी। अब जैसे रेस्टोरेंट में अप्रेंटिस कुक की जॉब अवेलेबल है तो इस पर मैं ओपन करके जानकारी लूंगा कि क्या क्या है, क्या क्या चीजें मांगी जा रही हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। सब कुछ पढ़ने के बाद नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, और यहां पर ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ मतलब जर्मन बोलने वाले या फ्रेंच बोलने वाले लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर कहीं पर भी स्किल्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। इंग्लिश स्पीकिंग जॉब है, आप इसके लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो है आपको टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, उस पेज पर जो है आपको अपनी जानकारी भरनी होगी या फिर अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। अभी जैसे यहां पर जो है एक पेज ओपन हुआ, यहां पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों। तो अकाउंट क्रिएट कीजिए और जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको सीवी कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी, वो आप हमसे ले सकते हैं या फिर आप खुद से देख करके बना सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था, मैं इतने दिनों से बताता हुआ आ रहा हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ जॉब्स नहीं है या फिर हमें आपसे मतलब है, हमें आपसे पैसे कमाने हैं। मेरे को आपसे कोई पैसा नहीं कमाना है। आप अगर मेरे को फ़ोन करोगे ना कि सर वीज़ा दे दो, वर्क परमिट दे दो, मैं तो आपको साफ मना कर दूंगा कि हम देते ही नहीं हैं। मैं अपनी वीडियोज़ में भी यही बोलता हूँ कि वीज़ा और वर्क परमिट हम नहीं देते हैं, ना ही जॉब देते हैं, ठीक है। ये मैं आपके लिए बताता हूँ ताकि आप खुद से जॉब ढूंढ सको, आपकी लाइफ बन सके। अगर आपको लग्जमबर्ग का वीज़ा मिलेगा, लिथुआनिया का वीज़ा मिलेगा, कनाडा, न्यूजीलैंड कहीं का भी वीज़ा मिलेगा तो आपकी लाइफ बनेगी। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि सीवी का लेटर आप उनसे बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप जाइए हमारे चैनल पर देखिए। हर वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर देख करके सीख सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है बनाने तो फिर आप हमारी मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको लूटना नहीं कहते, उसको सही सलाह देना कहते हैं, क्योंकि सीवी कवर लेटर तो लगेगा ही लगेगा। आपको जॉब अप्लाई करना है दोस्तों इंडिया में या फिर बाहर किसी देश में, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सीवी कवर लेटर की जरूरत पड़ेगी। आपको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में तो आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा पता कीजिए, उसके बाद हमें मतलब ऐसे एक्यूज़ कीजिएगा या फिर हम पे उंगली उठाइए कि हम लूटते हैं, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।